Hello students, I hope all of you are fine. So students, in the last video lecture I have discussed about methods of capital busting, in which I have discussed payback period method. But today I am going to discuss other methods of capital busting. जैसा कि मैंने last class में आपको payback period method के बारे में बताया था और एक question भी solve कराया था, तो आज हम लोग सेकेंड जो मेथड है इसका, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, उसके बारे में पहले जानते हैं कि वो मेथड क्या होता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इस मेथड में जो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के बेसिस पे होता है। जो फिगर्स वो रिवील करते हैं, कौन रिवील करते हैं? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, उसी बेसिस पे रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट होता है। इसीलिए इस मेथड को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेथड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी है कि अंडर दिस मेथड रेट ऑफ रिटर्न इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिगर्स रिवील्ड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इन 200। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। चलिए आप लोग इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि ए प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹1 लाख एंड हैज स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹20,000। इट्स स्ट्रीम ऑफ इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड टैक्सेस ड्यूरिंग फर्स्ट 5 ईयर्स, जो उसकी इनकम शुरू के 5 साल में है वो दी हुई है यहाँ, दैट इज़ ₹15,000, ₹19,000, ₹21,000, ₹27,000 एंड ₹40,000। और हमें अज्यूम करना है कि जो टैक्स है वो 50% है और डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड पे कैलकुलेट होगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट की हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ फोकस करिएगा। हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ, क्या निकालना है हमें, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या और एवरेज अकाउंटिंग इनकम आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। ठीक है, हमें ये कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, फर्स्ट पार्ट जो होगा वो एवरेज इनकम बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। पहले हमें एवरेज इनकम कैलकुलेट करना होगा जो कि टैक्स और डिप्रिसिएशन से पहले होगी। जो हमारी इनकम्स दी हुई हैं 5 ईयर की, दैट इज 15,000 प्लस 19,000 प्लस 21,000 प्लस 27,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स दिया हुआ है, 5 साल की है। ठीक है, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, एवरेज इनकम बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 15, 19, 34, 21, 55, 82, 1,22,000 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 24,400। इसमें से डिप्रिसिएशन लेस कर दीजिए, लेस डिप्रिसिएशन
जो कि हमें कैलकुलेट करना है डिप्रेशन, जो यहाँ मेंशन किया है आपके क्वेश्चन में डिप्रेशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। इसका स्ट्रेट लाइन क्या होगा जो हमारा दिया, प्रोजेक्ट कॉस्ट रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख माइनस स्क्रैप वॉल्यूम 20,000 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 80,000 डिवाइड बाई 5, 16,000। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 8,400। ये आ गया हमारा एवरेज इनकम बिफोर टैक्स। अभी इसमें टैक्स कैलकुलेट नहीं किए हम लोग, खाली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, अब टैक्स कर लेस टैक्स कर दीजिए एट द रेट 50%। इस अमाउंट के 50% कितना हो जाएगा, 4200। 4200 हो गया हमारा एवरेज इनकम बिफोर नहीं, तो आफ्टर निकल गया ना, आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन दैट इज 4200। ठीक है, अब हमें निकालना है, एक चीज़ तो हमारा निकल गया है फॉर्मूले के हिसाब से, दूसरी चीज़ हमें निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट का होगा हमारा जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है दैट इज़ 1,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू 20,000, उसका एवरेज निकाल लीजिए डिवाइड बाय 2, दैट इज 1,20,000, 60,000। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट इन 200। ठीक है, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन कितना है हमारा, 4200 डिवाइड बाय 60,000 जो कि हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट है इन 200। सेवन परसेंट हो गया हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, दिस इज अबाउट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये मेथड जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल बजटिंग। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इन दिस मेथड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट की जो फ्यूचर कैश इनफ्लो होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू को पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जब कैलकुलेट करने के बाद उसमें से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर देंगे। जो वैल्यू हमको मिलेगी उसको कहेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो मेथड है टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे डिपेंड है, बेस्ड है। अंडर दिस मेथड फर्स्ट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट इज फाउंड आउट एंड देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिड्यूस्ड। इट गिव्स अस द अमाउंट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू।
और स्टूडेंट्स ये भी एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी देन दैट प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव्ड, वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होगा, अदरवाइज नॉट। अगर एनपीवी मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तब वो प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन भी किया है कि इफ दिस एनपीवी इज पॉजिटिव द प्रोजेक्ट शुड बी अप्रूव्ड अदरवाइज नॉट। द प्रोजेक्ट्स आर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू देयर एनपीवीज, मतलब जितना ज़्यादा एनपीवी होगा उसी के हिसाब से कोई प्रोजेक्ट को रैंक करेंगे। द बेटर द प्रोजेक्ट विल बी, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये एग्जाम में हर साल किसी न किसी तरीके से पूछता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और पे बैक पीरियड मेथड, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। इस पर एक न्यूमेरिकल देखिएगा, इसी तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, द मैनेजमेंट ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू परचेज द मशीन दैट विल प्रोड्यूस कैश इनफ्लोज एज फॉलोज इन 5 years ऑफ इट्स लाइफ। 5 साल के कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, इट इज 2000, 4000, 4000, 2000 एंड 1000। जो कॉस्ट ऑफ मशीन है उसको 8000 माना गया है एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिटर्न 10% है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ ₹1, मतलब 1 रुपये की वैल्यू जो 10% पे होगी वो दी हुई है। ये आपको एग्जाम में भी दिया रहेगा, ये हमेशा वैल्यू किसी जब भी नेट प्रेजेंट वैल्यू पूछेगा तो आपको ये फिगर्स वहाँ मेंशन होंगे, दैट इज 0.909, 0.826 एक्सेट्रा। हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, हमें मशीन की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ फोकस करिएगा। इजी है, हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, 4 कॉलम बनाइएगा, एक ईयर का, एक कैश इनफ्लो का, एक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 दैट एट 10%, एक टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ईयर कैश इनफ्लोस, उसको दीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 10%, इसको दे दीजिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, ईयर है आपका 5 साल दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। फर्स्ट ईयर का क्या है 2000, सेकंड का 4000, थर्ड का भी 4000, फोर्थ का 2000, फिफ्थ का 1000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 दी हुई है हमारी 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 एंड 0.621। टोटल प्रेजेंट वैल्यू निकालना है हमें, तो हमें कुछ नहीं करना है, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फिगर फ्रॉम दिस फिगर, मतलब कैश इनफ्लो को हमें प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 2000 इंटू 0.909 होगा आपका 1818, दिस इज
3304, this is 3004, this is 621, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए टोटल प्रेजेंट वैल्यू ये आ गया आपका 10,113, ये आपकी आ गई टोटल प्रेजेंट वैल्यू और इनिशियल इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज 8,000। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है उसे मैंने पीछे बताया है, अभी टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज 10,113 माइनस 8,000। ये आ गई आपकी एनपीवी। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। सबसे पहले मैंने बता दिया आपको पे बैक पीरियड मेथड, उस पर आपका क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। सेकंड मेथड है आपका अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसके बारे में मैंने आपको बताया और क्वेश्चन सॉल्व कराया। और लास्ट आता है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इसके भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया। तो आप लोग अब इन सारे टॉपिक्स जो मेथड्स हैं इस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इट्स बेसिक कंपोनेंट्स। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।